इस वक्त हम बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद, जिनकी कल दिल्ली एम्स में निधन हो गई, लंबे समय से बीमार थे और एक बहुत बीमारी से पीड़ित थे, उनके आवास के बाहर हम मौजूद हैं। कुछ देरी में उनकी जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी, लेकिन राजेंद्र नगर में जो उनकी निजी आवास है वहाँ हम मौजूद हैं। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो भाजपा के हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और रहमान सर जो दरोगा गुरु हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, राज्यसभा सांसद, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का निधन होना देश की राजनीति के लिए कितना नुकसान है? देखिए, राजनीति की तो बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं दधीचि देदान का उपाध्यक्ष हूँ और माननीय सुशील मोदी जी दधीचि देदान के संरक्षक हैं, और सच पूछे तो 2013 से लेकर अब तक करीब 1400 से अधिक लोगों का कार्निया ट्रांसप्लांट का हुआ हो, बात या किडनी ट्रांसप्लांट हो या डेड बॉडी का डोनेशन की बात हो, तो उसमें माननीय सुशील मोदी जी को मैं एक सामाजिक रूप में देख रहा हूँ, एक सामाजिक योद्धा के रूप में देख रहा हूँ। तो देश की राजनीति को तो क्षति हो सकती है, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से ये एक अपूर्णीय क्षति है, और हम लोग दधीचि देदान समिति के लिए भी अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से इतना आई डोनेशन हुआ, कार्निया डोनेशन हुआ, किडनी डोनेशन हुआ। निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य का पल है हम लोग के लिए, तमाम बिहार वासियों के लिए, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, और साथ साथ दधीचि देदान समिति के लिए। कहा जा रहा है कि देश और बिहार में, मतलब, बहुत दुख की बड़ी बात है बिहार के लिए, खास करके क्योंकि सुशील कुमार मोदी एक अच्छे छवि के नेता थे। बिल्कुल, एक बात मैं बता दूं आपको कि माननीय सुशील मोदी जी को मैं उस वक्त जानता हूँ जब मैं BHU में था, और उस समय वो आते थे और संघ के खेल शिक्षक हुआ करते थे, उस समय जानता हूँ। लेकिन 2013 से हमारी सन्निधिता इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जब पूजनीय भागवत जी आए थे तारामंडल में, उस वक्त हम लोग 5 लोगों ने संपूर्ण शरीर दान किया था, जिसमें माननीय सुशील मोदी जी थे, गंगा प्रसाद जी थे, किरण गई थी, विश्व प्रसाद के थे आपको अध्यक्ष थे आलोक प्रसाद सर, और विमल जैन सर थे। तो उस समय से हम लोग जुड़ते रहे, और आज 1389 लोगों से अधिक लोगों का कार्निया ट्रांसप्लांट हुआ है, तो माननीय सुशील मोदी जी का और विमल जैन का इसमें अद्भुत योगदान है। करीब 63 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, और 4 बॉडी डोनेशन हुआ, और मैं अभी 78 मेरा जन्मदिवस है, उसके बावजूद भी मैंने 60 बार ब्लड दान किया है। तो जो एक बहुत बड़ा चैलेंज दे के चले गए सर हम लोग को, कि उनके विचारधारा को, उनकी सोच को और उनकी सात्विक विचारधारा को बहुत कम लोग जानते होंगे, कि इतने बड़े पद पर जाने रहने के बावजूद भी जितने सात्विक व्यक्ति थे, वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग बीच में नहीं रहे, जब अभी तो मैं उनको जानता हूँ, अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, पूरे परिवार को जानता हूँ। एक सात्विक व्यक्ति के रूप में जो उनकी छवि रही है, और निश्चित रूप से बिहार और भारत की राजनीति को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बुराई के विरुद्ध आवाज़ उठाने में अगर सबसे पहले कोई व्यक्ति होता था, ये माननीय सुशील मोदी जी होते थे। और भी उनके पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हैं, उनसे बात करेंगे, क्या हुआ, कैसे ये सब हो गई। सुशील कुमार मोदी की एक लंबे समय से बीमार थे, फिर भी उनकी बीमारी की जानकारी लोगों को वो खुद नहीं देते थे। देखिए, पिछले महीने 4 अप्रैल को उन्होंने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी कि वो कैंसर से जूझ रहे हैं, और वो अब जिस स्टेज में हुए, पार्टी का उन्हें स्टार प्रचारक भी केंद्र ने बनाया था, और 4 अप्रैल को हम लोगों को पता चला कि ये लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे हैं। और सुशील मोदी जी का जाना बिहार भाजपा के लिए बहुत गहरी क्षति। सुशील मोदी जी बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर, और चारों सदन बहुत विरले लोग होते हैं जो विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, और उनका जाना भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के एक एक कार्यकर्ताओं के घर में आज शोक की लहर है। रात 10:10 में उनका निधन हुआ पर दिल्ली के एम्स में, और 10:30 बजे से, मतलब, सारे सोशल साइट्स पे, सारे फोन भारतीय जनता पार्टी और NDA के नेताओं में एक गहरी शोक की लहर दौड़ गई, और उनका जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब से थोड़ी ही देर में सुशील मोदी जी का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पे बिहार स्टेट हैंगर पे लैंड कर आएगा, और उसके बाद अंतिम दर्शन वहाँ लोग करेंगे। नीतीश जी मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और कई बड़े नेता, सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष, और उनके अगवानी के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं।
विजय सिन्हा जी पहुंच चुके हैं डिप्टी सीएम, और थोड़ी देर बाद अभी राजेंद्र नगर स्थित इनके आवास पर अभी पार्थिव शरीर आएगा दर्शन के लिए। उसके बाद संघ कार्यालय, विजय निकेतन संघ कार्यालय, चूँकि वह संघ के स्वयंसेवक और पटना ग्रामीण महानगर के प्रचारक भी रहे, तो वो संघ कार्यालय भी जाएगा। संघ कार्यालय के बाद वो विधानसभा में उनके दर्शन के लिए, कई विधायक, सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री, उनके दर्शन के लिए विधानसभा भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर जाएगा और दर्शन करेंगे। उसके बाद पार्टी कार्यालय, भाजपा प्रदेश कार्यालय जाएगा, और प्रदेश कार्यालय के बाद दीघा घाट पे उनकी अंत्येष्टि होगी, अंतिम संस्कार होगा। और मानिए कि ऐसा दुखद दिन जो आज हम सब सपने में भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, अभी सुशील मोदी का रहना बिहार भाजपा के लिए बहुत आवश्यक था। सुशील मोदी जी जब देश में 2 सांसद होते थे उस समय वो नेता थे, आज देश में 303 सांसद और 400 पार करने की स्थिति में हम पहुंच गए, और सुशील मोदी का इस समय जाना बहुत ही दुखद, बहुत ही निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद मेरी व्यक्तिगत उनके परिवार के लोग पहुंच रहे हैं तौर पर। वो मैं बता देना चाहता हूँ कि सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सबके लिए परिवार की क्षति है, और उनके ऐसा डाटा मैनेजमेंट, मतलब किसी विधानसभा का, वो डिप्टी सीएम रहते हुए भी किसी विधानसभा का कोई भी डाटा पूछ दीजिए कि बेगूसराय में किस मंडल में कितना वोटर है और कौन हमारा वोटर है, कौन कोर वोटर है, कहाँ के, तो वो उसके डाटा के मास्टर। और मीडिया, सोशल मीडिया में अति सक्रिय रहने वाले सुशील मोदी का जाना बेहद दुखद। सुशील कुमार मोदी का निधन होना देश और बिहार के लिए बहुत दुख की बात है। उनके जो कार्यकर्ता हैं रहमान सर भी शोक संवेदना व्यक्त किए हैं, और तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आए हुए हैं। आपको हम दिखाएंगे कि उन पार्थिव शरीर कुछ देर में आने वाला है। कितना दुख है आप लोग सुशील कुमार मोदी का? बहुत बहुत। भाजपा का और बिहार का सबसे बड़ा नेता थे मैं समझता हूँ जी, उसके बाद मतलब कैलाशपति मिश्र के बाद भाजपा में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। नेता बिहार और यूपी में भाजपा को बढ़ाने वाले वो सबसे बड़े सुशील कुमार मोदी और बहुत ईमानदार, निष्ठावान, सबका काम करने वाले, हर तरह के लोग। अपने बीमारी के बारे एक लंबे समय से छुपाए हुए थे सुशील कुमार मोदी, हो सकता है क्योंकि चेहरा से उनका तो नहीं लगता था, चेहरा से तो हमेशा स्वस्थ एक ही तरह का शरीर था, बराबर उनको हम देखते थे एक ही तरह का, बातचीत कभी गुस्सा में नहीं, कभी क्रोध में नहीं, हमेशा उनका स्वभाव अच्छा रहता था, मिलनसार, जब चाहिए रात बिरात फोन पर अवेलेबल हो रहे हैं, लोगों का काम करते रहे हैं। एक अच्छे छवि के नेता थे, बहुत अच्छे छवि के नेता थे और कर्मठ नेता थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हो जमीनी नेता थे, जमीन से नेता लग करके मैं तो कह रहा हूँ ना कि बिहार में उससे बड़ा कोई नेता नहीं था। तो जमीनी नेता थे, लोग कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से कब उनकी पार्थिव शरीर पटना पहुँचेंगी, क्योंकि 3 बजे विधानसभा में टाइमिंग दिया गया है, और जो तमाम लोग हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। कितना दुखी की बात है सुशील कुमार मोदी का निधन होना जी, कितना दुखी की बात है सुशील कुमार? बहुत दुखी की बात है, बिहार के लिए बहुत बड़ा क्षति है, और इससे बड़ा क्षति और क्या होगा। बहुत दुखी है। हम लोग जिस समय से MLA पहले बार बने थे उस समय का साथ हमारा है सुशील कुमार मोदी जी के। जी जी, वो 20 साल तक हमारे यहाँ साल में एक बार चूड़ा दही खाने जरूर आते थे। चूड़ा दही जी, 20 साल। अब वो याद बन के रह जाएगी, याद बन के रह गया। उसके पहले सरकारीकरण भी हो गया तो छूट गया था, लेकिन फिर अरुण सिन्हा हमारे पास आते रहे, क्योंकि हम उस परंपरा को निभाते रहे, और हमारा इनसे इतना ये था कि बहुत ज़्यादा हम इनके लिए रहते थे। हम समय हमेशा सोचते थे कि इनके द्वारा जो कर्म हो उसका जस इनको मिले, और उसके लिए बहुत चीज़ हम अपने पास भी सोच करके, हम आज तक अपने लिए कुछ नहीं कहे, जो भी कहे समाज के लिए, अच्छा सामाजिक ये से कहते रहे। बहुत दुख है, बहुत दुखी है। क्या नाम हुआ? रोशन नाम हुआ हमारा। कितना दुखी है सुशील कुमार मोदी का निधन? बहुत दुख है, पूरा बिहार दुखी है जी। जिस तरह से वो अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर अभी तक वर्तमान समय तक बिहार के उप मुख्यमंत्री तक, कॉलेज के, विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से अपने राजनीति शुरू किए, और बिहार के लगभग 12-15 साल बिहार को उन्होंने देखा है, उस बिहार के जो जंगल राज का जो स्थिति था उससे बाहर निकालने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, बिहार के विकास में भी उनकी बहुत सा छवि के नेता थे, साफ छवि के नेता थे, आज तक उनके जीवन पर एक भी दाग नहीं है।
आप स्वयं आप उसके आप पत्रकार बंधु हैं तो आप लोग पता करिए, आज तक उनके ऊपर ना परिवारवाद का है, ना कोई घोटाले का कोई उनके ऊपर आरोप है, किसी प्रकार का उनके ऊपर आज तक आरोप नहीं है। एक एक स्वतंत्र मतलब एक साफ छवि के वो कार्यकर्ता रहे हैं। तो सुशील कुमार मोदी की कल दिल्ली एम्स में निधन हो गई और अभी हम उनके जो पटना के निजी आवास है राजेंद्र नगर में मौजूद हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। दरोगा गुरु रहमान भी पहुंचे थे और जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं समर्थक हैं वो यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी पार्थिव शरीर से कब भेंट होगी, क्योंकि सुशील कुमार मोदी का तो निधन हो चुका है। बहरहाल आपकी क्या राय है सुशील कुमार मोदी के निधन के बारे में, आप क्या सोचते हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।